आज की अगर बात करूं या समाज के मुद्दों की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैंने इस समाज को ना सिर्फ समझा है बल्कि महसूस किया है। महसूस किया है उसके बाद शायद मैं अपनी सारी चीजें छोड़कर आप लोगों के बीच हूं। क्या देखो, मैं भी अपनी माँ का अकेला लड़का हूं, उसका भी मेरे में बहुत मोह है, वो भी नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं, बस उसकी आंखों के सामने रहूं। लेकिन सारी चीजें छोड़कर अगर मैं यहां हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज के कुछ काम हम करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। आप जैसे युवाओं ने प्यार दिया, आप जैसे युवाओं के साथ हम कनेक्ट कर पाए, युवाओं ने भरोसा किया और उन्हें उन्होंने जताया कि हम शायद ही आपसे बेहतर कोई ला पाए इस संघर्ष में। मुझे नहीं पता मैं कितना बेहतर हूं, उससे बेहतर और बहुत है समाज में, बहुत है। लेकिन वो एक जुड़ाव, वो झुकाव जो आप लोगों के साथ हो गया है ना, उसके बाद मैं आज की तारीख में बैकफुट भी नहीं कर सकता। मतलब मेरे आगे खाई पीछे कुआ, मैं जाऊं तो जाऊंगा, क्योंकि भरोसा और प्यार जो आप लोगों ने दिखाया है वही एक मात्र चीज है मेरे पास आज की तारीख में जो मेरे को पुश कर रही है। बाकी मैं एक रुपए का गुनेगार नहीं हूं, पूरे समाज का सब कुछ अपनी जेब से लगा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि बस समझें ये, और ज्यादा चाहिए क्या आपसे, सिर्फ समझें ये लोग। अहीर रेजिमेंट की जब मैं बात करता हूं तो मेरे को इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं दिखता जिसे मैं समाज के बीच रखूं और उससे समाज की और तमाम बातें करूं। ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक विचारधाराओं से हमें अलग हटाकर कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन सबसे अलग हटाकर हमें एक छत के नीचे बैठा रहा है। ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है। और इसी मुद्दे के साथ मेरे समाज के तमाम ऐसे मुद्दे जिनको सुलझाया जा सकता है, बशर्त है कि इस एक मुद्दे में आप अपनी ताकत दिखा दो। उसके बाद आप देखते चले जाना कि इतने तमाम मुद्दे आपके समाज के आगे आने वाले हैं जिसको आप आराम से सुलझवा लेंगे, बशर्त है कि आप अपनी एकता दिखाओ। जहां एकता है, जहां संगठन आपका मजबूत है, जहां कंधों से कंधे मिलकर चलते हैं ना, वहां शासन प्रशासन सब होता है। वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है किसी के पास, आपको जाने ही नहीं है किसी नेता के पास, आपको जाने ही नहीं है किसी मंत्री के पास, आपको किसके पास जाना है। समाज में उठो बैठो, उठना बैठना शुरू करो, क्योंकि समाज में उठोगे बैठोगे तो कुछ सीख कर ही आओगे, और जब वहां से कुछ सीखोगे तो आगे और लोगों को बता पाओगे, तो साइकिल चलती रहेगी। सामाजिक मुद्दे हैं क्या? सामाजिक मुद्दे समाज में से तो निकल के आते हैं, जब समाज में नहीं बैठोगे सामाजिक मुद्दे कहां से निकल के आएंगे, सामाजिक लड़ाइयां ही कैसे लड़ोगे आप? तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा, समाज में बैठो, समाज को समझो, सामाजिक मुद्दे वहीं से निकल कर आएंगे, सामाजिक लड़ाइयां वहीं से सुलझती हुई नजर आएंगी।